तो चिकन भुना मसाला बिल्कुल तैयार है और पानी वानी दे के बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है। और देखिए क्या कलर आया है इसका, देख रहे हैं। अब मैं आपको एक पीस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक और नया दिन, एक और नया वीडियो लेके मैं आ चुकी हूँ आप लोग के सामने। तो ये देखिए सारा सामान लेके मैं बैठ गई हूँ। आज बनने वाला है जी हाँ चिकन। तो चिकन को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। आज मैं बनाऊंगी भुना चिकन, बिल्कुल चटपटा मजेदार तीखा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चिकन भुना मसाला बनाने के लिए जो जो सामग्री की जरूरत होती है वो सारा कुछ लेके मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। सबसे पहले मुझे चिकन चाहिए होगा, तो चिकन मैंने ले लिया है। और उसका चिकन भुना मसाला बनाने के लिए प्याज, टमाटर ढेर सारा मैंने ले लिया है, एक नींबू ले लिया है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर है मेरे पास, गरम मसाला भी है और कुछ खड़े मसाले भी हैं। ये देखिए लाल मिर्ची है खड़ी और हरी मिर्ची भी है। तो मिर्चियों से डरिएगा नहीं क्योंकि चिकन भुना मसाला बनने वाला है तो तीखा तो बनेगा ही, तो मिर्चियों से क्या डरना है। पानी पी पी के चिकन को एंजॉय करते रहेंगे हम लोग। तेज पत्ता है, सौंफ है, आपका जीरा है, काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है। तो ये सारा मेरा खड़ा मसाला है। ये लाल मिर्ची है जो कश्मीरी लाल मिर्ची है, और ये दही है और धनिया पत्ती है। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन भुना मसाला बनाने के लिए। तो चिकन भुना मसाला बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना बहुत जरूरी है। तो मैं सारा चिकन इस बाउल में ले लूंगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डाल देंगे ढेर सारा अदरक लहसुन का पेस्ट, जो बहुत जरूरी है चिकन भुना मसाला के लिए। और इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, जीरा, भुना हुआ जीरा है ये 2 चम्मच। अब मैं इसमें डालूंगी एक नींबू, इसको मैं कट कर। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। ये नमक मैं यहाँ पे कंप्लीट डाल दे रही हूँ कि दोबारा अगर लास्ट में चेक करेंगे अगर कम होगा तो फिर डाल देंगे, मगर मेरे हिसाब से मैं इसमें कंप्लीट डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से हम लोग मैरिनेट कर देंगे क्योंकि चिकन भुना मसाला है तो मज़ेदार और चटपटा तो बनना ही चाहिए। और इसमें जितना भी अपने हिसाब से, ये 1.5 किलो चिकन है तो इस हिसाब से जितना मसाला डालना चाहिए उसमें कोई कमी मत कीजिएगा, मिर्ची में कमी मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा तीखा रहेगा ये। और ये अच्छे से भुन के इसको बनाना है। तो इसको मैरिनेट करके मैं 1/2 घंटे के लिए ढक कर छोड़ दूंगी और बाकी का प्रोसेस शुरू करूंगी। तो ये मैंने मैरिनेट कर दिया है, अब इसको मैं ढक देती हूँ। तो हम लोग सूखे मसाले का भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये कश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे अपना जो तीखा वाला मिर्ची होता है वो, धनिया पाउडर ये थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे 2 चम्मच। अब इसमें हम लोग डालेंगे बेसन, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये 1 चम्मच के लगभग मैं बेसन डाल रही हूँ। इसे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसके अंदर जाएगा ये सौंफ, इससे भी आप टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ। ये मेरा सूखा मसाला रेडी हो गया है। इसमें मैं और डाल दूँगी दही, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कीजिएगा या फिर स्किप कर दीजिएगा। मैं दही डाल रही हूँ 2 चम्मच। अब इसको मिलाकर मैं रख दूंगी। तो जो हमारे खड़े मसाले थे जैसे जीरा, काली मिर्च, इलायची, लौंग और लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची, तो इनको हम लोग सबसे पहले भून लेंगे। पैन को मैंने गरम कर दिया और इन सारे मसालों को इसमें डालकर हल्का हल्का भून लेंगे। ज़्यादा मतलब काला करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का बस इसको गरम कर लेना है। और ये कैसे भून गया है वो हमें पता चलेगा जब इसमें से खुशबू आएगी तब। तो भून लेने से ये है कि मसालों का टेस्ट बढ़ जाता है, आपका जो भी रेसिपी है उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो मैं भी इसको भून ले रही हूँ। और भूनते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका गैस का फ्लेम ज़्यादा तेज ना रहे और मसाले जले नहीं, बस हल्का गरम कर देना है इनको। और हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है,
तो चिकन भुना मसाला बनाने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके सारे प्रिपरेशन में तैयार कर रही हूँ। अब बारी आ चुकी है इस टमाटर को और प्याज को काटने की। तो प्याज हम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे और टमाटर को हम लोग पीसेंगे, मगर उससे पहले इसको काटेंगे। तो चलिए काटते हैं। तो सारा तैयारी करते करते बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और बच्चों के भी स्कूल से आने का समय हो चुका है। बाबू जैसे ही आएगा बस उसको ट्यूशन जाना होता है, तो मुझे उसके पहले खाना रेडी करके टेबल पर लगा देना है, क्योंकि स्कूल के आने के बाद वेदराज को बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो जरा सा भी थोड़ा सा भी लेट कर सके। तो मैं फटाफट से अब बनाना शुरू करती हूँ। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, वो गर्म हो चुका है। जो टमाटर मैंने कहा था कि उसको पीस दूंगी, मैंने पीस दिया है। सब चीज़ तैयार है, बस मुझे अब बनाना है और चिकन को रेडी करना है। चिकन को मैंने फ्रिज में रख दिया था मैरिनेट करके, उसको भी मैं बाहर निकालूंगी। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगा, मैं डाल दूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी का जो भी सामग्री मुझे डालना है वो मैं डालूंगी। तेल अपने हिसाब से आप रखिएगा, जैसा आप खाते हैं उस हिसाब से आप लोग उसको डालिएगा। ये जो मैंने मसालों को भुना था, ये जो भी मसाले मैंने भुने थे, गर्म मसाले, खड़े मसाले, इनको मैं तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर मैं डाल दूंगी। तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है और ये सारे मसाले मैं डाल दूंगी। हाँ, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ, इस वजह से ये कोई मेजर वाला नहीं है। बस मैंने अंदाज से 1.5 किलो चिकन में जितना पड़ना चाहिए मेरे अंदाज से ये सारी चीजें मैं यूज कर रही हूँ। तो ये मैंने डाल दिया और साथ के साथ हम प्याज को भी डाल देंगे। मसाला है, चिकन भुना मसाला बन रहा है। तो यहाँ पे आपका हाथ दर्द करने वाला है, क्योंकि प्याज को, मसालों को अब जो भुनाई शुरू होगी उसमें समय लगेगा। और धीमी आंच करके इसको आराम से भुनते रहिए और चलाते रहिए, इसको रुकना नहीं है, इसको बस चलाते रहना है। तो ये देखिए मेरा प्याज अच्छे से भुन चुका है, गोल्डन गोल्डन कलर हो चुका है। और ये चिकन भुना मसाला है, तो सब चीज़ को हम लोग, आप देख ही रहे होंगे कि हर चीज़ को प्रॉपरली भूज भूज के ही मैं डाल रही हूँ। और प्याज को भी मैंने ऐसे ऐसे भून लिया है और कलर भी चेंज हो गया। तो अब बारी आ चुकी है बाकी की सामान इसमें डालने के लिए। और हाँ, ये प्रोसेस करते करते मुझे 5 मिनट लगा है। तो अब वो डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी कितना है प्याज का, चिकन का, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। ये मैं सारी चीज़ें अंदाजे ही डाल रही हूँ। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। जी हाँ, मैरिनेट करते वक्त भी मैंने डाला था और अभी भी डाल रही हूँ। तो अदरक लहसुन का पेस्ट नॉनवेज आइटम में बहुत ज़रूरी होता है, इसी से टेस्ट बढ़ता है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने में हिचकिचाइएगा नहीं। अब इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, हल्दी अंदाज से। अब इसको अच्छे से फिर हम लोग 2 मिनट तक भुनेंगे, क्योंकि इससे हल्दी का कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है ना। ये देखिए कलर कितना अच्छा आने लग गया। तो हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट तक इनको भून लेंगे, अदरक लहसुन और हल्दी को प्याज के साथ। तो 2 मिनट हो चुका है और ये जो सूखे मसाले मैंने मिलाए थे दही वही वाले, ये वो है। अब इसको भी इसमें डाल देते हैं, इसको अच्छे से पोंछ के डाल लेते हैं। हम लोग हाउसवाइफ हैं, सब चीज़ बचाते हैं, तो इसको वेस्ट क्यों करना है भाई। बर्तन में लगा हुआ है, चम्मच में भी लगा हुआ है। अब हम मसालों के साथ इन प्याज को अच्छे से भुनेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई स्पीड में रखिएगा, बिल्कुल तेज रखिएगा, कि ताकि मसाले अच्छे से भुन जाए और जो ऑयल है वो बाहर आ जाए। जैसे भुनने के बाद नॉर्मली होते हैं मसालों में तेल ऊपर आ जाता है, वो काम हमें यहाँ पे करना है। तो मसाले अच्छे से भुन चुके हैं और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, जो हमने पीसा था टमाटर, उसको भी अच्छे से इसमें डाल के अब हम लोग इसको साथ में भुनेंगे। वेदिका स्कूल से आ चुकी है और मेरा खाना अभी तैयार नहीं है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? भूख लगी है। लगी है तो बस अब मुश्किल से कितना बताओ अभी भी 15 मिनट का काम बचा हुआ है मेरे चिकन में।
तो ये देखिए कलर कितना खूबसूरत आ गया है और ग्रेवी भी हमारी तैयार हो रही है। और हाँ, एक चीज ये है कि अगर आप इस भुना चिकन मसाला में अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी डालिएगा। इसको सूखा भी खा सकते हैं रोटी के साथ, तो कैसे भी खाइए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी हमारा लंच टाइम हो रहा है और इसके साथ मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। तो हम लोग थोड़ा सा हल्का ग्रेवी रखेंगे, वैसे इतना सारा मसाला है, इतना ग्रेवी है, इसको अगर आप सूखा भी चावल के साथ खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो मेरा मसाला रेडी हो चुका है, देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब बारी आ चुकी है ये जो चिकन था जिसको मैरिनेट करके हम लोग फ्रीजर में रख दिए थे उसको डालने की, तो इसको डाल देते हैं। और साथ में फिर ये फाइनल स्टेप है, इसके बाद हमें बस चिकन को पकाना है, भुनना है और उसके बाद हमारा चिकन तैयार हो जाएगा। और इसमें डाल देते हैं हम लोग गरम मसाला। नमक मैंने चिकन में डाल दिया था, मसालों में मैंने नहीं डाला है। तो फाइनल जब ये बिल्कुल तैयार होने पे रहेगा ना, बंद करूंगी, उससे पहले एक बार मैं नमक चेक कर लूंगी कि कैसा है, कम है तो और मैं डाल दूंगी। और कलर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है इस भुना चिकन का, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको बनाने में भी, बहुत खुशबू चारों तरफ फैल गई है और खाने में भी मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो इसको अब हम लोग ढक ढक के भुनेंगे। तो ये देखिए चिकन भुना मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये ग्रेवी देखिए, कलर देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया और खुशबू भी लाजवाब आ रही है इसकी। माय गॉड, बहुत ही यमी बना हुआ है और बहुत ही, हम लोग को तो अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। तो अब बारी आ चुकी है इसमें पानी डालने की। आप चाहें तो ढक ढक के, चिकन पक चुका है और थोड़ा ढक के इसी तरह आप उतार सकते हैं, मतलब गैस बंद कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ग्रेवी रख दीजिए। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी ताकि हम लोग चावल के साथ अच्छे से इसको इंजॉय कर सके। तो चलिए ये भुना चिकन मसाला बिल्कुल तैयार है और अब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं। ग्रेवी जैसा आप रखना चाहते हैं उस तरह से रख दीजिएगा। मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो चिकन भुना मसाला बिल्कुल तैयार है और पानी वानी दे के बिल्कुल अच्छे से ये पक चुका है और देखिए क्या कलर आया है इसका, देख रहे हैं। अब मैं आपको एक पीस, तो ये देखिए चिकन भी पक चुका है अच्छे से, बिल्कुल मक्खन जैसा निकल के हाथ में आ गया और बहुत ही अच्छे से भुन भी गया है, अच्छे से पक भी गया है। अब बारी आ चुकी है इसको खाकर टेस्ट करने की, तो चलिए मिलते हैं टेबल पे। तो टन टन, और रेडी हो चुका है चिकन भुना मसाला। तो ये देखिए ये रहा चिकन भुना मसाला और एक सेकेंड कोरिएंडर लीव्स, ये देखिए अब टेस्ट कीजिए और बताइए हमें कि कैसा बना है। तो अब दोनों बैठ चुके हैं खाना को एंजॉय करने के लिए और मुझे टेस्ट करके और आप सभी को टेस्ट करके बताने के लिए कि ये कैसा बना है। ओ, खाना तो टेस्ट करने के लिए मैं बैठा हूँ, ये खाने के लिए बैठा है। बड़ा चम्मच तुम रखो और ये सबसे बड़ा वाला पीस तुमको दे दिए। अच्छा, अब बाकी मेरा ठीक है। अब मेन चीज तो ये है, ओह ये चिकन लेग पीस, अब मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ। नहीं, इसको टेस्ट नहीं करूँगा, इसको बाद में टेस्ट करूँगा, मैं पीस टेस्ट करता हूँ टेस्ट कैसा बना है। मैं गर्म इतना है, कैसे करूँ मैं टेस्ट, और गर्म है। वैसे हम लोग कभी टमाटर में, सॉरी चिकन में टमाटर डालते नहीं है, क्योंकि इस भुना मसाला में टमाटर पड़ा है, छोटा टमाटर का स्वाद आ रहा है, बट टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब। तो फिर और वेदिका भी आ चुकी है खाना खाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं लंच को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय बाय।